लगभग अब तक 56 दिन तक गायब रहने के बाद अचानक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई। अब यह सोचने वाली बात है कि जैसे ही कोर्ट ने ईडी के मामले में गिरफ्तारी का प्रिवेंशन हटाया गया, पहली बात संदेश खाली के विषय पर महिलाओं के अत्याचार की कोई भी धारा, बलात्कार या बलात्कार के लिए प्रेरित करने की कोई भी धारा नहीं लगाई गई है। दूसरी बात यह भी बहुत साफ हो गया कि जो पश्चिम बंगाल सरकार स्टैंड ले रही थी कि गिरफ्तारी पर रोक है, उसका संदेश खाली के गुनाहों से कोई लेना देना नहीं था। तीसरी बात, उन्होंने जो ईडी के विषय के ऊपर गिरफ्तारी की रोक हटने के बाद गिरफ्तार किया, तो मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं कि यदि आपने ईडी के विषय पर गिरफ्तार किया है तो पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें ईडी को क्यों नहीं सौंप दे रही है? मतलब बहुत साफ है कि अभी तक इस बात को पूरे संदेह के साथ कहा जा सकता है, बल्कि पुख्ता संदेह के साथ कहा जा सकता है कि शाहजहां शेख महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था, और अब उसे दोबारा हिफाजत देने के लिए, ताकि वह ईडी और सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार न किया जा सके, वो पश्चिम बंगाल पुलिस की मेहमान नवाजी में चला गया है। यह मैं मेहमान नवाजी शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, यदि आप लोगों ने तथाकथित गिरफ्तारी के समय उसकी भाव भंगिमा देखी हो, उसके चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज देखी हो, और पुलिस वालों की बॉडी लैंग्वेज देखी हो, क्या आपको लगता है कि जो कुछ बॉडी लैंग्वेज थी शाहजहां शेख की वो किसी गुनहगार की थी या किसी अदाकार की लग रही थी? जिस स्टाइल से वो चल रहा है और जिस ढंग से पुलिस वाले उसके पीछे चल रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था ना कि बा अदब बा मुलायदा होशियार शाहजहां साहब जलवा अफरोज हो रहे हैं। कहीं से लग रहा था कि बेबसी जरा भी उसके चेहरे पे है, खौफ जरा भी उसके चेहरे पे है, गिरफ्तारी का कोई भाव उसके चेहरे पे है, ऐसा लग रहा था कि वो बाकायदा जलवा अफरोज हो रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, कभी पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपने देखा है कि वो पुलिस आगे चलती है कि गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति आगे चलता है? पुलिस आगे चलती है। यहां तो ऐसा लग रहा था पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है, क्योंकि शाहजहां शेख जिस धमक के साथ आगे चल रहा था और पुलिस वाले जिस ढंग से कंधे झुकाए हुए पीछे चल रहे थे, यह मैं इसलिए कह रहा हूं, यह संदेश खाली का संदेश पूरे भारत के लिए और पूरे समाज के लिए बहुत साफ है। उससे बड़ी आपत्ति हमारा साफ साफ पूछना यह है कि जिसको ममता जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिफेंड किया, वो अचानक पुलिस के द्वारा एक लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए, यानी अभी तक उसे सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त था, अब उसे लीगल प्रोटेक्शन प्राप्त हुआ है। हम बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और इंडी गठबंधन दोनों जवाब दें कि शाहजहां शेख जो विक्ट्री साइन दिखा रहा था, इसका क्या मतलब है? किस बात की विक्ट्री? महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दमन, उत्पीड़न, बलात्कार के द्वारा उनकी जमीनें कब्जाए जाने को विजय बताना, यह वही बात है महिलाओं पर यातना और अत्याचार को विजय का प्रतीक बनाना, यह मध्यकालीन मुगलिया मानसिकता का प्रतीक है। और 21वीं सदी में शाहजहां शेख और ममता बनर्जी की सरकार उसी को आज एक रूप में सामने दिखाई दे रही है। इसलिए हम बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि टेक्निकल सवाल हमारा यह है कि यदि ईडी के हमले के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो ईडी को हैंडओवर क्यों नहीं कर रहे? सेकंड सवाल हमारा टेक्निकल यह है कि महिलाओं पे उत्पीड़न और बलात्कार की धाराएं क्यों नहीं लगाई गई? और तीसरा सवाल यह है कि जब कैमरे के सामने उसका इतना जलवा दिख रहा है तो जेल में वो किस जलाल के साथ रह रहा होगा या रहेगा, इसका हमें सहज अनुमान लगाया जा सकता है? और चौथा नैतिक और राजनैतिक सवाल यह है कि उस विक्ट्री साइन का क्या कहना है?